Kenapa dia kamu sih? मैंने दो तीन बार पहले देखा है एडिट में, मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं आज पहली बार बड़े पर्दे पर दिख रहा हूँ राकेश की फिल्म में। मेरा राकेश मेरे साथ मतलब इन ऑल माई फिल्म मेरे साथ थे वो, तो आई एम वेरी हैप्पी दैट इज मेरे फर्स्ट फिल्म, छोटा फिल्म में नागो फिल्म में, लेकिन अभी बड़ा करेगा। मेरे को बहुत सारे फोबिया है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, बहुत सारे छोटी सी कोई फोबिया अभी मैंने आइज टू बी लाइक जैसा मुझे चिपकली से बहुत पहले लगता था, अभी अभी फोबिया नहीं है, अभी मैं ठीक हूँ। लेकिन क्लैश तो नहीं होगा क्योंकि शॉर्ट फिल्म का एक अलग ही मतलब एक अलग ही मज़ा है, लाइक अ शॉर्ट स्टोरी है, तो मतलब एक नॉवेल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। शॉर्ट फिल्म का एक अलग वो है कि मतलब इट्स वन आइडिया वन लिटल थिंग विच इज यू टू इट गिव्स यू डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रीडम एंड क्रिएटिव फ्रीडम। मुश्किल होता है क्योंकि मतलब आपको उतना ही टाइम मिलता है, लेकिन उसमें एडवांटेज एक है कि मतलब इसमें वो सब नहीं है जो हम लोग को होता है ना कि बॉक्स ऑफिस और ये, इसमें सिर्फ मज़ा आना चाहिए लोगों को और याद रहना चाहिए। हाँ मैं मतलब मैं बहुत अच्छा लगा, मुझे सबका परफॉर्मेंस अच्छा लगा, स्पेशली मतलब इट्स क्या बोलते हैं समथिंग फ्रेश इन द कास्टिंग। ओके सर, आफ्टर आनंद वेरी सून गोइंग टू मेक अ मूवी ऑन बायोपिक ऑफ वरुण धवन, सो टू लेट अस से अबाउट इट हैड स्टार्टेड। नहीं अभी तक वी आर स्टिल स्क्रिप्टिंग एंड कास्टिंग एंड प्रेप चल रहा है उसका, हमारा 3-4 महीना और प्रेप चलेगा उसके बाद ही शुरू। थैंक यू। नो इट्स ओके, एम आई अलाउड टू बी audience votes, that's the best, because the in the festival sab audience ko hamari film sabse zyada pasand aayi. Okay, short film ki baat kare to kitna acha lagta hai ki ye full feature film mein aapko agar bahut dekha hai, short film ka daur bhi bahut acha hai, bahut acche acche content aa rahe hain, to kya kehte hain short film ka? Mujhe ye bahut acha laga. One of the reasons is that a short film can tell a beautiful story aur usme actors like me can work who are not in commercial films, you know, in the senses otherwise I'd probably be just doing rare roles like Uri, because for example Uri ke baad like I got 5 offers, heroine ki mummy, but that's not what you want to do, right? So this gives us a scope to do good roles, so I love short films. In fact Paresh and I had done our first Bombay Doordarshan film in 1977 or 78, which was a short film. So you can imagine how good it is. Not a dream role or anything like that, but हाँ मुझे पता नहीं क्यों I always wanted to do a Parsi role. And I got to do it. So yes, I like to do interesting characters, but मुझे कभी ऐसे interesting characters मिले ही नहीं. तो I am very happy now. शायद मुझे मिलेंगे. Phobia. I used to have. मुझे पता है कि you know if I see a huge flight of steps. मुझे उतरने में बहुत डर लगता है, बिकॉज देन आई नीड टू होल्ड, यू नो, मुझे हमेशा लगता है कि मैं गिर जाऊंगी एंड फॉल ऑन माय फेस, तो दैट
बट मुझे कॉकरोचेज वगैरह का ज़रा भी फोबिया नहीं है, तो हमेशा ऐसे नो नॉट रियली आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ एनी। इस फिल्म में बहुत मज़ा आया एक्चुअली। ऐसे हुआ कि ये दोनों मुझे मिलने आए थे, राकेश एंड योगेश, एंड आई गॉट द सेम फीलिंग आई गॉट व्हेन कुंदन एंड मंजुल ने मुझे ये जो ज़िंदगी ऑफर किया था। आई न्यू दैट दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग ब्यूटिफुल। सो व्हाट इफ इट्स अ 10-minute फिल्म, राइट? बट आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल फिल्म। सो येस, आई गॉट दैट फीलिंग कंटेंट इज़न्ट, content is very important now. The thing is, you see so many like Netflix, blah 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 blah. So now it's very important to have good content, because if it's silly content, it'll just get wiped out like that. So it's becoming an interesting world. और मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो I don't know if you all did that, but in ours, in English literature, we used to study short stories and long stories. And I always found the short stories very interesting, क्योंकि you know कुछ pages में पूरा बताना पड़ता है, so I think it's very interesting. Yes. So what kind of character are you playing? I'm playing an old Parsi woman who's forgetting things. Means just generally कुछ भी like she sees somebody coughing and she remembers her grandson had coughed and that happened like 2 months back. So वो आज का यू नो शी गॉट दिस फॉरगेटफुलनेस, लाइक शी फॉरगेट्स वेयर शी कीप्स थिंग्स, लाइक 2 months हैव जस्ट गॉन बाय और उसको पता ही नहीं कि 2 महीने चले गए, यू नो ऐसा है। नैनोसोफोबिया, सो इट इज़ अ फोबिया अबाउट मिजिट्स, छोटे कद के लोग, उनका फोबिया। आई मीन इट्स अ प्रॉपर। Thank you. Thanks. कौन सा कैमरा? से राकेश को मैं बहुत सालों से जानता हूँ। योगेश भी हमने फिल्म की है साथ में अंधाधुन। तो जब ये दोनों मेरे को पता चला राकेश डायरेक्ट करने वाला और योगेश की कहानी है, तो मेरे को मालूम था कि कुछ अच्छा होगा, पर इतना अच्छा होगा ये नहीं मालूम था। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी, यू नो। इनफैक्ट मतलब एडिट पे मैंने देखा था, मेरे को मज़ा आया था, पर आज बड़े स्क्रीन पे देख के मतलब लगा कि टू गुड टैलेंटेड पीपल हैव अराइव्ड। देखिए सरूप जी के बारे में मतलब वो छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है, आउटस्टैंडिंग है। और बाकी सब यू नो जब कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है तो उसमें जितने भी किरदार हैं वो सब अच्छा काम करते हैं, तभी वो ओवरऑल, क्योंकि फिल्म की जब हम बात करते हैं वो ओवरऑल पैकेज रहता है, तो सब उसमें अच्छा अगर परफॉर्म किए तभी वो इतनी अच्छी बन के आई है, तभी इतना मज़ा आया, यू नो। ये दोधारी तलवार है, यू नो। अगर छोटी फिल्म को भी अगर आप बड़ी फिल्म करो तो उसमें उतनी ही जद्दोजहद और आपको मेहनत पड़ेगी, और वही अगर छोटी चीज़ को अगर आप एक 2 घंटे की चीज़ को अगर आप 10-15 मिनट में बोलना चाहो तो वो भी एक चैलेंज है। तो ये मतलब ये चैलेंज दोनों तरफ से रहता है। थैंक यू। Thank you.
can't hear you. ये शॉर्ट फिल्म है एक फोबिया के बारे में जो किसी भी उम्र में हो सकता है. बट दिस स्टोरी इज़ अबाउट समवन हूज एट हर ओल्ड एज एंड शी इज़ लिविंग अलोन. एंड आई थिंक इट इज़ समथिंग दैट वी हैव ऑल एक्सपीरियंस्ड इन सम वे और द अदर सम फॉर्म ऑफ फोबिया. बट इट्स ऑल्सो मोर देन द फोबिया. इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ यू नो व्हेन पीपल आर अलोन एंड दे टेंड टू फॉर्म सर्टन टेंडेंसीज. तो आप सोचते हो कि ये सेम पैटर्न है, देर इज नो बिग डील. एंड फिर उसका क्या होता है एक्चुअली व्हेन आई वाज वेरी यंग व्हेन आई लॉस्ट माय पैटर्नल ग्रैंडडैड माय बाबा एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ ही गॉट अल्जाइमर्स. सो यू नो व्हेन यू फॉरगेट थिंग्स एंड पीपल डोंट बिलीव व्हाट यू आर सेइंग एंड एवरीथिंग. सो इट्स काइंड ऑफ टची. देर इज अ लिटिल एलिमेंट ऑफ ह्यूमर ऑल्सो इन इट. इट्स स्कैरी ऑल्सो. इट्स अ गुड पैकेज. I don't really have any phobia as such, but yeah, like today when I was trying to find the correct lift to come in here, I realized that the minute the lift closes and if I'm alone in it, I do panic a little bit that what if it this is it. Yeah, that happens. अभी तो मैंने देखी है तो अभी मेरा ही मेरा पार्ट बहुत ही छोटा सा है. इट कम्स एट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द फिल्म. तो बेसिकली आपका ध्यान बताने के लिए आता है मेरा पार्ट. तो एवरीबडी एंजॉयड इट एंड या शूटिंग विद राकेश एंड यू नो द राइटर. आई मीन दे आर सच सिंपल पीपल बट दे हैव सच ब्रिलियंट आइडियाज़. एंड हमने एक बार फ़ोन पे बात की एंड देन वी मेट फेस टू फेस एंड द नेक्स्ट डे वी वर शूटिंग टुगेदर. तो एक बहुत ही क्विक प्रोसेस था और बहुत छोटी सी शूट भी थी. बट आई स्टिल रिमेंबर एवरीथिंग दैट हैपेंड ऑन सेट एंड स्वरूप मैम एंड शूटिंग विद अरुण. दे आर ऑल सच फन पीपल. तो ऑल इन ऑल इट्स एन एक्सपीरियंस दैट यू नो आई ऑलवेज चेरिश. एंड आई स्टिल रिमेंबर द डे आई वॉज शूटिंग श्रीराम सर वॉज नॉट कमिंग ऑन सेट दैट डे. एंड उसके प्रीवियस डे ही वॉज ऑन सेट और उस दिन मेरी शूट भी थी. तो मैं बट उस दिन मैं सुबह 7 बजे सेट पर पहुँच गई. उस दिन मेरा कुछ और था 11 बजे बट मैं 7 बजे पहुँच गई. मुझे आई हैड टू मीट हिम फेस टू फेस. सो इट्स ऑलवेज गुड टू नो दैट यू आर वर्किंग विद गुड पीपल हु हैव द राइट माइंड एंड देयर हार्ट इज़ इन द राइट प्लेस. ये तो कहना था उन्होंने कह दिया. मैं क्या कहूँ इस पे. लोगों को बहुत अच्छी लग रही है. लाइक 10 मिनट में इतनी अच्छी सी स्टोरी को अच्छी तरह से कह दिया. लोग ये बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं फिल्म का स्टोरी. दोनों ही चीज़ डिफ़िकल्ट है एक्चुअली कि 10 मिनट्स में कहो या 3 घंटे में कहो. 3 घंटे का अपना स्ट्रक्चर हो जाता है और 10 मिनट्स का अपना स्ट्रक्चर हो जाता है. लाइक मैं एक ट्विस्ट के साथ में ख़त्म कर रहा हूँ स्टोरी को तो 10 मिनट में भी बहुत अच्छा बोल सकता हूँ. तो 3 घंटे का होता तो फिर बहुत कुछ करना होता है. मूवी के बारे में तो मैं बताऊँगा तो फिर लाइक 10 मिनट की तो फिल्म है उसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ. बट एक लेडी है जिसको एक पर्टिकुलर फोबिया है और जब वो फोबिया से गुजर रही है तो हमको विश्वास नहीं होता इसके साथ हो क्या रहा है. देन कुछ ट्विस्ट आता है उसके बाद फिल्म खत्म होती है. तो हाउ शी गेट्स रिड ऑफ दैट फोबिया. तो बाकी तो आपको देखना चाहिए. ये मेरा फ्रेंड है योगेश चांदेकर जो अंधाधुन में एक राइटर था. उसने एक दिन एक आइडिया बताया कि ऐसे एक घर में एक ओल्ड पारसी लेडी रहती है और उसको इस तरीके का मान लो फोबिया हो और एक वन आफ्टरनून व्हाट हैपेंस विद हर. तो मेरे को लगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जिस तरह से उसने उसका एंड बताया कि यार ऐसा एक ट्विस्ट के साथ ख़त्म होगा. तो लगा कि हाँ ये बहुत अच्छा ड्रामा है. ट्विस्ट भी बहुत अच्छा है और ये करेंगे तो अच्छा होल्ड होगा. फिर हम लोगों ने इसे डेवलप करना शुरू किया और अल्टीमेटली जो बन के आया वो लोगों को अच्छा लग रहा है.
कास्ट के साथ लाइक एकदम बहुत ही अच्छा स्वरूप मैम इतनी स्वीट है लाइक पूरे टाइम सेट पे थी और उन्होंने इतना हम लोगों को इतना पॉजिटिव एनर्जी दिया ना। दो दिन का शूट था हमारा और हमें लगा ही नहीं कि हम लोग शूट कर रहे हैं लाइक जैसे घर में ही हैं और जैसे रिहर्सल करते वक्त इतना कंफर्टेबल होते हैं हम लोग शूट में भी उतना ही कंफर्टेबल थे हम लोग। बहुत ही अच्छा रहा मैम के साथ हैं। अरुण ने बहुत अच्छा काम किया, निधि ने बहुत अच्छा किया, बाकी लोग तो हमारी टीम के ही थे जगदीश और हिरल। अभी तो कुछ लाइक 3 स्क्रिप्ट मैंने लिखी हुई है और मैं पिच कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ प्रोड्यूसर्स से, अभी देखते हैं कब क्या शुरू होता है। थैंक यू सर। आप लोग प्लीज़ देखिएगा।